हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ बॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब देखिए, चिकन चीज़ बॉल के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने 500 ग्राम आलू बॉईल कर लिए हैं नमक डालकर, उसे मैश कर लिया है। ये नमक लिया है स्वाद अनुसार। जो हमने चिकन बॉईल करके रखी थी उसको हमने श्रेड कर ली है। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिए, और कुछ चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसको अच्छे से हाथों से मिला लिया है। और आधा नींबू भी हमें डाल दिया है उसमें, और उसे फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। अब एक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, लहसुन कटा हुआ डालेंगे, उसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च काट कर जो रखी थी उसे डालेंगे, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। और ये ओरेगानो है, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब है और नमक है, उसे भी हम तेल में डालकर अच्छे से भून लेंगे। और उसकी खुशबू आने के बाद हमने जो वेज काट के रखे थे, गाजर, गोभी और शिमला मिर्च, उसे भी हम डाल देंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। और टेस्ट के हिसाब से हम उसमें नमक डालेंगे और उसे ढक कर 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, हमारा वेज अच्छे से गल चुका है। हमें बहुत नहीं गलाना है, हमें थोड़ा कच्चा रखना है उसे। उसे भी हम एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देंगे। हम इसमें 250 ग्राम मोजरेला चीज़ ली थी, उसे हम ऐड कर लेंगे और उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। जो हमने चिकन का और आलू का जो बना के रखा था, जो हमने चिकन और आलू का मिक्सचर बना के रखा था, उसे हम हाथों में पानी लगाकर उसे थोड़ा फैला लेंगे, और उसके बीच में एक चम्मच जैसा स्टफिंग ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा था मोजरेला चीज़ का, और उसे डालकर अच्छे से कचौरियाँ बनाते हैं उसी तरह से हम बॉल बना लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम मिक्सचर को दबाते हुए वेज को अंदर भर कर बॉल तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम एक एक करके सभी बॉलों को रेडी कर लेंगे। और ये मैंने मैदा लिया है 3 से 4 चम्मच, उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, और पानी डालकर उसे अच्छे से घोल लूंगी, उसमें एक भी लम्स ना रहे इस तरह से। देखिए इसे, और अब तेल गरम करने रख दिया था हमने, तेल गरम हो चुका है। उसमें हम एक एक बॉल अंदर डीप करके डाल देंगे। और 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे उसे। देखिए हमारे बॉल रेडी हो चुके हैं, अब हम उसे निकाल लेंगे। ये हमारे बॉल तैयार हो चुके हैं, खाइए और टेस्ट कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कैसे बने। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।